ओवैसी बोले, छोटे को रोक रखा है, छोड़ दिया तो संभावना मुश्किल हो जाएगा। राहुल पर बयान को लेकर नवनीत राणा पर FIR। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी पर बयान को लेकर भाजपा सांसद नवनीत राणा पर हमला बोला है। असुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को कहा, मोहतरमा नवनीत राणा, छोटे अकबरुद्दीन को बहुत समझा के रखा है, छोड़ दूं क्या? और अगर छोटे को एक बार छोड़ दिया तो वह मेरे अलावा किसी की नहीं सुनेगा। दो दिन बचे हैं, छोड़ दूं। ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र से आकर सांसद छोटे छोटे बोलती है। अरे मैं छोटे को रोक रखा हूं, आपको पता है छोटा कौन है? तोप है, वो सालार का बेटा है। बहुत मुश्किल से उसे समझाना पड़ता है, छोटा किसी की सुनता नहीं है। मुर्गी का बच्चा हूँ कि 15 सेकंड चाहिए। दरअसल अमरावती सांसद और इस बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही नवनीत राणा 8 मई को हैदराबाद में भाजपा कैंडिडेट के प्रचार के लिए पहुंची थी। इस दौरान राणा ने कहा था कि अगर हैदराबाद में 15 सेकंड के लिए पुलिस हटी तो पता नहीं चलेगा कि दोनों भाई कहां गए। नवनीत राणा ने कहा, छोटा कहता है कि पुलिस को 15 मिनट के लिए हटा दो तो हम दिखाएंगे क्या कर सकते हैं। तुम्हें 15 मिनट लगेंगे मगर हमको सिर्फ 15 सेकंड। 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटाया तो छोटे और बड़े को पता नहीं चलेगा कि कहां से आए और कहां चले गए। राणा ने यह बयान अकबरुद्दीन की 2013 में दी गई स्पीच के खिलाफ दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाए तो हम 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं को खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ राहुल के खिलाफ बयान देने को लेकर नवनीत राणा के खिलाफ तेलंगाना के शादनगर में FIR दर्ज हुई है। पुलिस ने बताया कि हमें नवनीत राणा के खिलाफ चुनाव आयोग में नियमों के उल्लंघन की शिकायत मिली है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात चुनाव आयोग के FST कृष्ण मोहन ने उनके खिलाफ गुरुवार 9 मई को ये शिकायत दर्ज कराई। नवनीत राणा ने कहा था कि अगर राहुल गांधी को वोट दिया तो वोट पाकिस्तान को जाएगा। बिहार के पटना साहिब लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके बाद उन्होंने कहा, मैं पटना की जनता से आशीर्वाद चाहता हूं। जैसे मैंने पहले देश के लिए काम किया था मैं वैसे ही आगे भी करूंगा। झारखंड के दुमका में भाजपा नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक चुनावी सभा में कहा कि पहले नेहरू और इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री गरीबी हटाने के झूठे वादे करते थे, लेकिन पीएम मोदी ने अपने कार्यालय में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालने का काम किया है। रेड्डी ने कहा, अल्पसंख्यकों को अलग चश्मे से देखना नैतिक रूप से गलत है। हमारी पार्टी मुस्लिमों की गरिमा और सम्मान का समर्थन करेगी, चाहे वह आरक्षण, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC, नागरिक संशोधन अधिनियम CAA या किसी अन्य मामले में हो। जगन मोहन ने आरक्षण के मामले में TDP और भाजपा पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, पूर्व CM चंद्रबाबू नायडू गिरगिट जैसे हैं। एक तरफ वो भाजपा के साथ गठबंधन करना चाहते हैं जो मुस्लिम आरक्षण खत्म करना चाहती है, दूसरी तरफ वो अल्पसंख्यक वोट पाने के लिए नया नाटक लेकर आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।